हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, हम प्ले स्टोर से जब भी किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी वो एप्लीकेशन पेंडिंग में शो करती है, फ़ोन के अंदर डाउनलोड नहीं होती, वो डाउनलोडिंग होनी शुरू ही नहीं होती, उसमें पेंडिंग लिखा आता है। तो हम सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम अपने फ़ोन को चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई दूसरी एप्लीकेशन तो डाउनलोड नहीं हो रही या फिर उसमें कुछ अपडेट तो नहीं हो रहा। तो सारी चेकिंग करने के बाद भी हमारी ये पेंडिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसको करने के बाद आपकी प्ले स्टोर की ये पेंडिंग वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को ईजिली डाउनलोड कर सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। इसमें मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे हम प्ले स्टोर के अंदर ओपन करेंगे इसे और यहाँ पे हम कुछ भी एप्लीकेशन जो हमें टाइप करनी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे MX टकाटक मैंने ये डाली एप्लीकेशन, वीडियो एप्लीकेशन है, तो ये इस तरीके से खुल जाएगी। इसे हम इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऐसे पेंडिंग में शो होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने फ़ोन के अंदर कौन सी सेटिंग करनी है। इसे यहाँ से कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हम यहाँ से बैक आएंगे और यहाँ पे जिससे हमें जीमेल आईडी से जिससे हमने गूगल प्ले में लॉगिन किया हुआ है, इस आइकन पे यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में आइकन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये जो सबसे ऊपर जनरल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और हमें यहाँ से क्लियर विश लिस्ट सेकंड नंबर पे है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से विश लिस्ट को क्लियर कर देना है। उसके बाद हमें बैक आना है। इसके बाद हमें नेटवर्क प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है और यहाँ से हमें ऐप डाउनलोड प्रेफरेंसेस इस पर क्लिक करना है। ये आप चेक कर लेना, ये हमेशा ओवर एन ही नेटवर्क के ऊपर होना चाहिए। डन पे कर देंगे। ऑटो अपडेट्स का ऑप्शन है, ये हमेशा ऑफ होना चाहिए, डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप, ठीक है, इसे ऑफ कर लेंगे, डन कर लेंगे। ऑटो प्ले वीडियो, ये भी डोंट ऑटो प्ले वीडियो होनी चाहिए, ये आप देख लेना। अगर ऐसा नहीं है तो इसे ऐसे सेटिंग कर लेना जैसे मैंने ये कर रखी है, फिर डन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। इसके बाद हमें सेटिंग्स के अंदर जाना है, अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमें अपने एप्लीकेशन जहाँ पे होती हैं सारी उसके अंदर जाना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐप्स लिखा हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके फ़ोन की सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी और यहाँ पे हम ये ऊपर सर्च बार में टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर। ये यहाँ पे आ गया गूगल प्ले स्टोर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें इसमें मोबाइल डाटा, बैटरी और स्टोरेज का ऑप्शन है, स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बैक करना है और बैक आना है और फिर से हमें यहाँ पे सर्च करना है गूगल प्ले सर्विसेज, ये आ गया नीचे, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। गूगल प्ले सर्विसेज में इसमें भी स्टोरेज के अंदर जाना है आपको और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर कैचेस पे क्लिक करना है। इसकी कैचेस क्लियर हो गई। उसके बाद आपको वापस प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। ये प्ले स्टोर खुल गया है, यहाँ पे आपको सर्च करना है जैसे MX प्लेयर ही है, उसके बाद इसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो गई है। अभी 0% है, पेंडिंग हट गया है, ये 1% हो गई। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर की पेंडिंग प्रॉब्लम को ईजिली 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।